खबर है जनपद बहराइच से। बहराइच विद्युत उपकरण मटेरा से जुड़ी फीटर संकट व सिंगाई एवं मटेरा फीटर के लिए राहत भरी खबर। 5 दिन से क्षेत्र में थी बिजली गुल, वही बिजली को लेकर आमजन थे परेशान, गर्मी से थे बुरा हाल। वही एक तो भीषण गर्मी और ऊपर से बिजली की आंख मिचोली। हमारे संवाददाता से हुई बात में विद्युत उपकेंद्र मटेरा के एसडीओ ने बताया कि आमजन को हुई इस समस्या के लिए हमें खेद है तथा बिजली के विभाग अधिकारियों द्वारा बड़ी जल्दबाजी से कार्य किया जा रहा है। वही जल्द ही मिलेगा मटेरा क्षेत्र वासियों को पूर्व की भांति निमित्त बिजली। बीजेपी के नेता एवं कार्यकर्ताओं ने पावर हाउस को किया घेराव। यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के अंतर्गत मटेरा पावर हाउस का मामला है। देखिए पूरी रिपोर्ट इमरान के साथ मकसूद अजरा की रिपोर्ट। अंकल आपका शुभ नाम? आलोक अग्रवाल, विधानसभा संयोजक मटेरा जी। इस जो है पावर हाउस पर आप जो आए, क्या बात हुई यहाँ पर? जो है जो काम चल रहा है इसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत तेजी से चल रहा है जी। कैसे होगा ये, कब तक चालू होगा यहाँ जो लाइन वाइन है? सुबह तक, रात में ही अपना ठीक कर लेंगे, सुबह सप्लाई अपने को मिल जाए। यहाँ कोई उच्च अधिकारी साहब से बात हुई है जो कुछ आपको बताया गया? सभी कल एक्सएन साहब भी थे, आज एसडीओ साहब से भी बात हुई जी, और सभी लोग सहयोग में है, दिन रात लगे हुए है जी। पूरी पूरी रात वो मेहनत कर रहे हैं, पूरी रात में, पूरी रात कल भी थे, परसों भी थे और आज भी दिन भर सुबह से। तो लाइट के बारे में कल तक कुछ उम्मीद की जाए? कल जो पूरी पूरी उम्मीद है उनकी कोशिश जी। अब ऊपर वाला कुछ न गड़बड़ करे तो कल सप्लाई, क्योंकि क्षेत्र की जनता भी बहुत परेशान है। लाइट जो है आज वो 48 घंटे दिन भर पूछती है जी, और यहाँ पावर हाउस के भी चक्कर लगाती है, सबको संतोषजनक उत्तर मिलता है जी। जनता ने भी बहुत साथ दिया विभाग का। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो है जानकारी देने के लिए।